Welcome to study IQ. UPSC के में कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा टॉपिक सबसे डिफिकल्ट है प्रिपेयर करना आई मीन टू से जैसे पॉलिटी होता है पॉलिटी so की एक स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है, राइट right? हमें पता है कि इसी एक बुक है उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए सारे क्वेश्चन उसमें से आ जाएंगे मोरलेस हिस्ट्री भी डिफाइंड है According to my own assessment, I believe economics and the environment uh, really causes the problem. A specific uh, constant uh, guidebook mil hai, and there is a lot of uh, current dynamic into it.

देखो अभी अभी रिसेंटली वायानाद डिस्ट्रिक्ट में केरला के, के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में वहां पर कुछ फार्मिंग कम्युनिटीज हैं जो कि फॉरेस्ट के फ्रेंजिस पर रहती हैं उनके अमंगस्ट एक पैनिक आ गया है ड्यू टू तो अ पेस्ट आउटब्रेक ठीक है स्पेसिफिकली आपको इसमें विलेजेस के नाम याद करने की जरूरत नहीं है वालूवड्डी एरिया है नूलपुजा ग्राम पंचायत के अंदर सो दिस इज नॉट नेसेसरी बट यस वायानाद डिस्ट्रिक्ट जो है ये बात जानना जरूरी है कि इस समय वहां पर किसी प्रकार का पेस्ट आउटब्रेक हो रहा है वहां पर क्या हुआ कि ह्यूज स्वाम्स ऑफ इंसेक्ट्स लैंडेड ऑन ट्रीज एंड श्रब्स कम से कम दो एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है जो कि वायान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास से स्थित है और वहां पर बड़े सारे से उस एग्रीकल्चर लैंड पर इंसेक्ट्स का एक स्वाम आकर बैठ गया पेस्ट आउटब्रेक इज एट राइट हैपनिंग वायानाथ डिस्ट्रिक्ट का भी नाम है और वायनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी नाम है एग्जैक्ट लोकेशन देखिए वट यू आर लुकिंग एट द स्क्रीन राइट नाउ इज द नीलगिरी बायोस्फेर रिजर्व ठीक है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि कंटिन्यूअसली अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क से बना हुआ है तो यहां पर राजीव गांधी नेशनल पार्क है और इसके साथ ही वायनाइड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी वायानाइड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक पेस्ट आउटब्रेक हुआ है ठीक है

आउटब्रेक हुआ है That pest is done by the sap एक जो बेंबू सैप बट उसका ऑफिशियल नेम है उडोंगा मोंटाना क्या होता है उडोंगा सी दिस इज उडोंगा मोन्टान दिस इज हैना मोंटाना दिस इज नॉट एन इंसेज अ टीन आइडल दिस इज बेसिकली उडोंगा मोन्टाना इंसेक्ट का नाम है ठीक है यही इंसेक्ट है जहां पर बेंबू के जो शूट होते हैं बेंबू का जो सैप होता है उसमें से जो बेंबू के अंदर से जो जूस निकलता है उसके ऊपर फीड करते हैं एंड अ सडन आउटब्रेक हैज बीन सीन इन दी वायनाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बग जो होता है ये दिस बग ये जो इंसेक्ट जो होता है कम से कम तेरह मिलीमीटर लंबा होता है और येलोइश ब्राउन कलर का होता है इट मल्टीप्लाइज इन लार्ज नंबर्स ऑन बेंबू उसका शूट खा जाता है उसके सीड्स खा जाते हैं इस दे अफेक्ट द रीजनरेशन ऑफ द बैम्बू क्यों क्योंकि जितने भी सीड्स होते हैं उनको ये खा जाते हैं और उसके बाद बैम्बू के जो फ्लावर्स होते हैं वहीं पर ये अपने अंडे भी दे देते हैं सो फिगर्ड आउट बेसिकली इस समय इंडिया एंड in ये कॉमन है जहां पर भी बेम्बू की खेती होती है वहां पर ये पाया जाता है आउटब्रेक जो कि ये वालूवडी एरिया में हुआ है मास फ्लावरिंग ऑफ द बेम्बू जिससे बेसिकली इस इंसेक्ट्स का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ द फूड होता है Hence, इसके साथ साथ एग्जॉस्टिव फीडिंग ऑन द बेम्बू बाय द बग हैज सीवियरली अफेक्टेड फ्लावरिंग एंड द सीडलिंग साइकिल ऑफ द बेंबू इन द एरिया जो कि अब उसकी नेचुरल रिप्रोडक्शन को भाई एक पेस्ट आउटब्रेक है और जो कि पेस्ट आउटब्रेक है नेचुरल वेजिटेशन या फिर जो बैंबू की वेजिटेशन उसको अफेक्ट कर रहा है दे आर ईटिंग द सीड्स आल्सो दे आर ईटिंग द शूट्स आल्सो एंड दे आर ईटिंग द फ्लावर्स उसके फ्लावर्स में अपनी एक्ट कर रहे हैं है। तो जो बेंबू की जो रीजनरेशन हो रही है उसको तो इफेक्ट होना ही होना इसमें कोई शक की बात नहीं है सो so फार कोई सीरियस इंजरी या कोई और प्रॉब्लम नहीं आई है एग्रीकल्चर क्रॉप्स को इस एरिया में फॉर नाउ राइट इट इज बिन अभी रिसेंटली आउटब्रेक होना स्टार्ट हुआ है इट माइट एक्चुअली इंक्रीज बट ये यूजली नेचुरल कॉजेज के द्वारा खत्म भी हो जाता है इन नेचुरल स्टैंड ऑफ बैंबू ये पेस्ट पॉपुलेशन आर रेगुलेटेड बाई द नेचुरल एनिमीज मतलब कि ऐसा नहीं है कि अकेले इंसेक्ट्स उसके ऊपर फीड करने लग जाते हैं बट देन इंसेक्ट्स आर फेड ऑन बाई बर्ड्स ऑल्सो क्रोज ऑल्सो तो जो नेचुरल एनिमीज होती है वो कई बार इसी इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल भी कर लेती है पर प्रॉब्लम यह है कि जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उससे इकोलॉजिकल बैलेंस और जो डायनेमिक होता है इंसेक्ट का इकोसिस्टम में वो कई बार डिफर हो जाता है हम क्या करेंगे इमिजिएटली ह्यूमन जैसे ही हमारे ऊपर किसी प्रकार का पेस्ट आउटब्रेक होने की संभावना करेंगे तो हम उसको पेस्टिसाइड्स की तरह से यूज करेंगे वो पेस्टिसाइड्स इन सारे के सारे इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को खत्म कर देगा बट देन द बर्ड्स और दी दड़ी एल्स इन द इको जो नेचुरल क्रीडेटर्स होते हैं उनको फूड नहीं मिलता है फिर उनकी जो नेचुरल पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो जाती है तो मतलब जो ह्यूमन इंटरवेंशन होती

करंट अफेयर न्यूज वेक आउट ऑफ दिस करंट अफेयर न्यूज इस करंट अफेयर न्यूज से आपको दो स्पेसिफिक आइडियाज uh, और फंक्शन को यहां से लेना है जिसमें यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है परटेनिंग टू दिनवायरमेंट द फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू दी वायनाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक है उडोंगा मोन्टाना इंसेक्ट वाला पहले वाला एक ये है पहले हम उडों मोन्टाना करते हैं ठीक है? तो हम पहले इसका नाम याद करेंगे कि, इसके बारे में कुछ इसके याद करते हैं जैसे कि ये सारी की सारी जो पॉपुलेशन है दर फाउंड इन दी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया वेरी स्पेसिफिकली अभी हमें केरला साउथ इंडिया में मिल रहा है इन जनरल इसको नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में इसके आउटब्रेक देखे गए हैं स्पेसिफिकली असोसिएटेड विद द मास फ्लावरिंग ऑफ द बैंबू हर एक इंसेट कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर प्लांट से एसोसिएटेड होता है राइट ओडोंगा मोंटाना इज वेरी स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद द बेम्बू फ्लावरिंग दे आर ट्रेडिशनली कलेक्टेड एंड ईटन इन पार्ट्स ऑफ द मिजोरम मिजोरम में इसको खा भी लेते हैं दे आर नोन लोकली एज दाग थांग नाग भी इसको कहा जाता है कई लोगों को इंसेक्ट से बहुत डर लगता है राइट right? सो so, कुछ लोग कहते हैं कि फेस योर फियर्स वेल इन मिजोरम दे बी लाइक कि जस्ट ईट द फियर सो दैट द फियर शैल नो व्हाट इज एग्जैक्टली फेसिंग द फियर इज एंड इसके अलावा जो इस न्यूज के अंदर हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो रिलेटेड टू तो वायान सेंचुरी से एसोसिएटेड क्या भाई वायाननाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है केरला में वायनाथ डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द नेम ओनली इट इज द सेकंड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द केरला

इनका पूरा का पूरा हेड रेड है इन दोनों के दोनों जो वल्चर्स की प्रजाति है वो लाइफ लाइफ वाइल्ड सेंचुरी में पाई जाती है Considered किया जाता है इट इज द सेफेस्ट हेवन इंडीड से भी अधिक ये वायरनाथ लाइफ सेंचुरी में है ठीक है सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन ये दोनों के दोनों जो पेजेस की इन्फॉर्मेशन है आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में याद रहनी चाहिए बाय रीडिंग एंड ऑब्सक्योर करंट अफेयर न्यूज इफ यू नीड द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास दिस इज द टेलीग्राम चैनल दैट यू शैल इफ यू डू नॉट नीड द पीडीएफ दिस क्लास Still, the same channel you'll have to join. You can also hit me on any of my social media. Have a nice day.